नमस्कार, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है किचन टू किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि बिल्कुल हम 10 मिनट में जो काला बर्तन है उसे कैसे हम बिल्कुल सफेद कर लेंगे, बिल्कुल नए जैसे करेंगे। चमचमाता जैसा नया बर्तन होता है, सेम वैसा ही कई बार हम चाय रखकर या दूध रखकर भूल जाते हैं। तो मैंने भी चाय रख दिया था और रखकर भूल गई थी। जब चाय का स्मेल आया जला हुआ, तब मेरे ध्यान में आया कि मैंने किचन में चाय बनने के लिए रखा था। और तब तक जाकर देख रही हूँ तो बिल्कुल तो जल चुका था पतीला, जो है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जल चुका है। तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ रहेगा। तब सबसे पहले दिमाग में आता है कि इस चीजों को हम छुड़ाएंगे कैसे, इतना मेहनत करेगा कौन, लेकिन करना तो पड़ता है। पर आज मैं आप सभी के साथ जो शेयर करूंगी, हम सिर्फ 10 मिनट में इस पतीले को बिल्कुल चकाचक चमका लेंगे और वो भी बिना मेहनत के। बिल्कुल हाथ नहीं दर्द करने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, पतीला रख दिया मैंने और पतीले में पानी डाल दिया है। बिल्कुल भर कर पानी डालना है हमें, जितना पार्ट जला हुआ है उसके ऊपर तक पानी डालना है। तो ये पतीला बिल्कुल ऊपर तक जल चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैंने पानी से पूरा इसे भर दिया है और अब हम डालेंगे इसमें नमक डालने वाले हैं। ना ही मैं सरफ डालूंगी और ना ही विनेगर डालूंगी। जो नमक होता है जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, वो नमक मैंने लिया है। तो यहाँ पर कप मैंने आधा कप लिया है और अगर चम्मच से आप मेजरमेंट करते हैं तो 6 बड़ा चम्मच है। तो नमक को हमने डाल दिया पानी के अंदर और आप देख सकते हैं पानी के अंदर नमक जाते ही और हल्का सा पानी गर्म होते ही जो काला काला जला हुआ है वो पानी के ऊपर आ गया। पानी को हम बहुत अच्छे से उबलने देंगे। अच्छे तरीके से हमें इसे उबाल लेना है। लगभग 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से उबल जाता है। गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम रखा हुआ है, क्योंकि अगर हाई रखेंगे तो पानी जो है उबल कर स्टोव के नीचे गिर जाएगा। तो मीडियम फ्लेम ही रखें आप और चम्मच से इसे बीच बीच में आप चलाते रहिए। जब आप चम्मच से चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो जला वाला पार्ट है वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। और जब पूरे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, पानी उबलने लगेगा, तो अपने आप ही जो काला वाला जो पार्ट है, जल गया है जो पतीला हमारा, वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं चम्मच को हिला रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा जो काला वाला पार्ट है, जला वाला है, वो निकल रहा है। तो देखिए पानी में बहुत अच्छा उबाल आ चुका है हमारा। उबाल आने के बाद और भी हम 1.5 से 2 मिनट तक उबलने देंगे पानी को। मतलब टोटली हमें 5 से 6 मिनट के लिए पानी को उबाल लेना है। और चम्मच से स्क्रैच करेंगे तो बड़ी ही आसानी से निकल जाता है जो जला है वो। देख सकते हैं मैं चम्मच से हल्का सा स्क्रैच कर रही हूँ, वो बड़े ही आसानी से निकल रहा है। पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल काला हो चुका है। पानी जलकर हल्का सा कम हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम स्लो रख दिया, क्योंकि हाई फ्लेम जो था तो पानी गिरने लगा था, इसलिए स्लो कर दिया फ्लेम। और अब गैस का फ्लेम बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए रहने देते हैं। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन इसका हटाएंगे। तो 3 मिनट हो गया, ढक्कन हटा दिया है और अब सिंपली आप चम्मच से भी इसे स्क्रैच करेंगे तो ये जो है निकल जाएगा। तो पानी को अब हम निकाल देते हैं टोप में से, पानी को हम फेंक देंगे। पतीला अभी काफी गर्म है तो आप सावधानी से उठाएं इसे। और अब हम ले लेंगे चम्मच और चम्मच के हेल्प से हम हल्के हाथों से बिल्कुल इसे स्क्रैच करते हुए, अब बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रैच करेंगे तो जो जला वाला पार्ट है वो निकल जाएगा। देखिए कितने आसानी से निकल रहा है, बहुत ज्यादा हमें मेहनत की भी जरूरत नहीं है। देखिए तो जितना हो सकता है उतना हम चम्मच के हेल्प से हल्के हाथों से स्क्रैच करते हुए निकाल लेंगे। जो टोप है बहुत बुरे तरीके से जल चुका था और जो जला वाला है पार्ट उसे हम फेंक देंगे। और अब मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक। नमक हल्का सा दरदरा होता है और ले लिया है यहाँ जो काता होता है, लोखंड वाला जो काता होता है, तार वाला, वो लिया है।
इससे बड़े ही आसानी से निकल जाता है। अगर आप प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप इसी कांटे का यूज़ करें, इससे बहुत फटाफट से निकल जाता है। जो भी काला दूध जलकर हुआ है या चाय जलकर हुआ है वो बहुत आसानी से निकल जाता है, और नमक लेने की वजह से नमक हल्का सा दरदरा होता है तो इससे हेल्प मिलता है, बड़े ही आसानी से टोप जो है पतीला जो है साफ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा देर हमें घिसना भी नहीं पड़ा। तो देखिए लगभग मैंने 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से घिसा है चम्मच और कांटे से, तो आप देख सकते हैं टोप जो है बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब मैं ले लूँगी यहाँ बीम जेल, जो आप बर्तन धोते हैं वो साबुन भी आप ले सकते हैं, और इससे अच्छे से हम चारों तरफ से कांटे के हेल्प से घिस लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ा, और अगर आप ऐसे ही सिर्फ सरफ से धोते हैं तो लगभग 30 से 40 मिनट लग जाता है और हाथ भी बहुत दुखने लगता है, लेकिन आप सिर्फ नमक के हेल्प से जो बर्तन है उसे सिर्फ 10 मिनट में बिल्कुल नए की तरह चमका सकते हैं। पीछे का पार्ट भी हम अच्छे से हल्के हाथों से घिस लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें जोर नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि गर्म पानी की वजह से और नमक की वजह से जो भी जला हुआ वाला पार्ट होता है, जो भी चाय या दूध या कुछ भी जो जल जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो बस हल्के हाथों से आप रब करते हैं तो आसानी से निकल जाता है। तो अच्छे से मैंने चारों तरफ से इसे घिस लिया है, अब हम इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पतीला है कितना चमक रहा है, और हमें इसे धोने में सिर्फ 10 मिनट लगा है, और ना ही मैंने विनेगर का यूज़ किया है और ना ही सरफ का इसमें यूज़ किया है, और बिल्कुल कम चीज़ों में हमने जले हुए बर्तन को बिल्कुल नए की तरह चमका लिया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं पहले और अब के पतीले। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।